सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनावों में हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार फाइनल नहीं होने और लोकसभा चुनावों में किसी बलि का बकरा बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया। अनुराग ठाकुर को विधानसभा चुनावों में अपने पिता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की हार से सीख लेकर बयानबाजी करने की सलाह दी। ऐसा लगता है कि अनुराग ठाकुर जी ने अपने पिता श्री प्रेम कुमार धूमल जी की जो विजय पिछले चुनावों में हुई है उससे कोई सबक नहीं लिया। उनका कांग्रेस प्रत्याशी की चयन प्रक्रिया को लेकर और चुनाव को लेकर जो बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कोई बलि का बकरा नहीं मिल रहा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का, इस तरह की शब्दावली का मैं समझती हूँ कोई स्थान नहीं है। उनका यह बयान अहंकार से भरपूर है, घमंड से भरपूर है। और एक व्यक्ति जो 3 बार सांसद रह चुका हो, चौथा चुनाव लड़ने जा रहा हो, वो अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो ये और भी गंभीर विषय हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, कांग्रेस पार्टी कब अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी, इसके लिए कांग्रेस पार्टी का अपना एक नियम है, अपना एक प्रक्रिया है, उसके मुताबिक उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव की कैंडिडेट की घोषणा करेगी, प्रत्याशी की घोषणा करेगी। और अनुराग जी का जहाँ तक बयान है उस बयान को मैं समझता हूँ कि उनको ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि लोकतंत्र में कौन बलि का बकरा बनेगा और जनता किसकी बकरी बनाएगी ये तब पता चलेगा जब चुनावों का परिणाम सामने आएगा। पिछले चुनावों में उनके पिताजी को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था, इसके बावजूद जनता ने उनको पराजित किया, उनको हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे हालात से गुजरने के बाद इस तरह की बयानबाजी और भी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है और भी अहंकारपूर्ण हो जाती है।